सच के साथ। मंगलवार की दोपहर के बाद से हुई झमाझम बारिश का सिलसिला देर रात और बुधवार भोर से अल सुबह तक जारी रहा। आसमान में छाए बादलों की वजह से फिलहाल न्यूनतम तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी होने से ठंड का प्रभाव कम हो गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा अरब सागर की ओर से चल रही हवाएं जरूर झुरी झुरी का एहसास करा रही हैं। बुधवार को भी पूरे दिन मौसम इसी तरह बादल और बारिश युक्त रही। गुरुवार या शुक्रवार को मौसम साफ होते ही तापमान तेजी से गिरेगा और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। बहरहाल बुधवार की सुबह 10 बजे तक मौसम का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानी बीएचयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एसएन पांडे के अनुसार बादलों के बने रहने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड का एहसास कम होगा, लेकिन जब अगले एक दो दिनों में बादल हटेंगे और आसमान साफ होगा तो तापमान गिरेगा, अर्थात गलन बढ़ेगी। बादल छटने के बाद इस सप्ताहांत में सर्दी अपने चरम पर हो सकती है। इस मौसम का जिम्मेदार इस बार जम्मू कश्मीर और हिमालय की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ नहीं बल्कि अरब सागर क्षेत्र में बना कम वायुदाब का क्षेत्र है। इसकी वजह से आसमान में बादल आए हैं। बारिश के बाद वातावरण की आर्द्रता बढ़कर 93% हो गई है। छाए कोहरे के चलते दृश्यता सुबह 500 मीटर तो 10 बजे तक 1 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। मौसम में बदलाव को लेकर डॉक्टरों ने अलर्ट किया है। साफ शब्दों में कहा है कि ठंड से बचाव के पूरे जतन करें, शरीर पैर से लेकर सिर तक ढक कर रखें। बाहर निकलें तो पैर में गर्म जूते, हाथ में दस्ताने व टोपी हेलमेट जरूर लगाएं। पीने नहाने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें। मैं एक डॉक्टर होने के नाते यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग आग वगैरह जलाकर उसको तापें, क्योंकि मौसम का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मौसम तो ऐसे आगे भी संभावना है, दो तीन दिन ऐसा रहेगा। नगर निगम प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मैदानी चौराहा दवा मंडी के सामने अलावा जलाने का काम करें और कृपया जो गरीब मजदूर रोड पर सो रहे हैं उनको रैन बसेरा में भेजने का काम करें और रैन बसेरा में जाँच करके वहाँ तकिया और कंबल का व्यवस्था करें। सच के साथ।